नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल के पार, 80 रुपए के पास पहुंची कीमत। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार, सिर्फ 4 दिन में सामने आए 60,000 नए केस। सांस लेने में तकलीफ के बाद सरोज खान एडमिट, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। मिजोरम में एक और भूकंप का झटका, तीव्रता 4.1, घरों से बाहर निकले लोग। पतंजलि का आयुष मंत्रालय को पत्र, कोरोनिल का ट्रायल कॉम्पोजिशन बताया। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद आज से राज्य के संचालित बार खोले जा सकेंगे। घायल के 30 साल पूरे, धर्मेंद्र ने शेयर किए सनी मीनाक्षी के पुराने इंटरव्यू। 10 पाक क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव, पीसीबी ने माना कि हालात अच्छे नहीं। नासा ने 6 साल में बनाया खास टॉयलेट, कीमत 174 करोड़ रुपए। पिता बनने वाले हैं तेरी मिट्टी के सिंगर बी प्राक, पत्नी संग शेयर की फोटो। वीडियो कॉन के सीएमडी वेणुगोपाल धूत के खिलाफ एफआईआर, भ्रष्टाचार का आरोप। WTO ने बताया कि कोरोना संकट से वैश्विक व्यापार में आएगी 18.5% की गिरावट। US में भारतीय चार्टर उड़ान पर लगी रोक, नियमों के उल्लंघन का आरोप। सरकार ने कहा हमारी जांच पूरी होने तक कोरोनिल का प्रमोशन ना करें। मन से लगाई डुबकी, 20,000 भक्त मानसरोवर यात्रा का अनुभव साझा करने के लिए अभियान चला रहे हैं। भारत का आदेश, 7 दिन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का 50% स्टाफ कम करे। चीनी पुलिस 70 करोड़ पुरुषों का डीएनए जुटा रही, पुलिस ने कहा अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 10 सालों के बाद सुष्मिता सेन ने किया कमबैक, कहा कि मुझे बिना बताए ही आखिरी वक्त में फिल्मों से बाहर निकाल दिया जाता था। शक्ति अस्तित्व के एहसास की, शो की शूटिंग शुरू, गाइडलाइन का पालन करते हुए सेट पर मास्क लगाते हुए नजर आई पूरी टीम। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉनसन ने बॉल से संक्रमण का खतरा बताया। IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि अगले साल होने वाले ओलंपिक में 125 एथलीट्स जा सकते हैं। महिला क्रिकेट को रोचक बनाने के लिए नियमों में हो सकते हैं अहम बदलाव, हल्की बॉल और पिच छोटी की जा सकती है। वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच की कोरोना से संक्रमित, पत्नी की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। सीमा पर तैनात सैनिक का गाना सुन भावुक हुई रवीना टंडन, वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए और गला भर गया। सोनू भूषण विवाद पर नाम आने के बाद मरीना ने कहा कि कोई नहीं जानता कि ये सब लाइफ में कितना बुरा असर करता है।